सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले नियोम पायल और गोल्डी भाई के बारे में। अगर आपको नहीं पता है इनके बीच में क्या चल रहा है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, कल जो नियो थे वो रात को लाइव स्ट्रीम करने आए थे, जहाँ पर उन्होंने गोल्डी भाई को रिप्लाई दिया या फिर आप कह सकते हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया जो जो भी गोल्डी भाई ने बोला था नियो को। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूँगा क्योंकि ये एक घंटे की स्ट्रीम है लगभग। एक तो उन्होंने प्राइवेट कर दिया जो कि मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, तो उसका भी थोड़ा पार्ट मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो पॉइंट नियो ने रखा कि ये रखा कि जो गोल्डी भाई है उनको इस मैटर में बोलना ही नहीं चाहिए था, उनका इस मैटर के अंदर आना बनता नहीं है। आप सुनिए नियो ने क्या कहा। ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, तुमको पता है कौन सी लड़की की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पायल की बात कर रहे हैं हम लोग। मैंने एक भी जगह पे पायल को गाली दिया, एक भी जगह पे मैंने पायल को गाली दिया। गाइस, तुम लोग बताओ, मैं कुछ फुल फॉर्म भी नहीं बोल सकता कि मैंने एक भी जगह पे पायल को गाली दिया, कुछ गंदा बोला पायल को मैंने, कोई गाली दी, कुछ बोला मैंने, गाली कुछ भी। हाँ, तो फिर मैंने कहाँ से डिसरिस्पेक्ट किया बताओ। अगर वही अगर एक लड़की लड़के को लेके बोले ये डिजर्व नहीं करता, तो अगर वही फॉर एग्जाम्पल कोई और लड़की मेरे लिए बोलेंगे तुम इतना भड़कोगे नहीं, यहाँ पे कौन सा सीन आता है। और बात जब हम दोनों के बीच की थी, मैंने उसको बोला, उसने मेरे को बोला, खत्म। मैंने उसके बात को रिएक्ट किया नहीं, बट ये मेंटर्स मेंटर ना आई गेस मेंटर तो भी मेंटर्स लोग बीच में आते हैं, उनका क्या संबंध बनता है। और आए तो आए, वो टॉपिक पे लेके अगर बोलते हैं कि हाँ ये टॉपिक है, उसे उस पर स्टिक करके बोलता तो समझ आता अगर होता ऐसा। और उन्होंने वो टॉपिक को डाइवर्ट करके ऐसा दिखा दिया कि जैसे मैंने कोई वुमेन का डिसरिस्पेक्ट किया, जबकि मैं ये बोल रहा था कि इंडिया में हेट हर किलो है। तो है भाई, तो जो टैलेंट है वो टैलेंट दिख के नहीं आता, क्या गलत बोला। पायल के साथ जो सीन है, मैंने पायल को बोला, पायल ने अपने स्ट्रीम पे जाके बोला, ठीक है, उसने मॉक किया, उसने सरकैज़म में बोला, उसने मेरे को ट्रोल किया किया, मैंने वो चीज़ को लेके रिप्लाई दिया नहीं। पर एक सीन किसी ने तो बोला कि अपने इंडिया के ही लोग अपने इंडियंस को ठरकी बोलते हैं और उनको नीचे खींचते हैं। भाई हमको ना ये मत सिखाओ, देशभक्ति एनॉल हमको मत सिखाओ। और किसने क्या कहा कि सोल और गॉडेल के कंट्रोवर्सी में पायल पिस गई। भाई पहली बात तो तुमको कुछ पता नहीं है, ठीक है, जब पायल एंटिटी छोड़ के सोल में गई थी ना, तब भी बहुत अच्छा रिलेशन था, समझा, तब भी हमारे जॉनी जी गॉड घातक, अब भी इनफैक्ट उनका सही है। बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो क्यों तुमको, तुम हर बार सोल और गॉडेल तुम करते हो, ठीक है, सोल और गॉडेल के कंट्रोवर्सी में बेचारी पायल पिस गई। भाई वो दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है वो चीज़ में, उसका अपना अलग ही है, ठीक है, हम पढ़ उसका अलग सीन है, अपना अलग सीन है, तुम जोड़ते हो दूसरे सीन को एक साथ और फिर बोलते हो ठीक हो। मेरे को बस एक चीज़ जानना है, वो बंदा आके बोल रहा है मैंने डिसरिस्पेक्ट किया वुमेन को, ठीक है, जबकि मेरे घर पर 3 फीमेल रहती है और मैं उनके साथ पूरा दिन रात रहता है, और उसमें से एक मेरी भांजी है जो मेरे दिल के इतने करीब है, मैं उसके साथ दिन रात रहता हूँ, ठीक है, उसको हर एक चीज़ उसकी पूरी करता हूँ। मेरे मॉम को कभी कोई चीज़ की कमी पड़ने नहीं दिया, ना मेरी बहन को कमी पड़ने दिया, हर एक चीज़ पूरी करता हूँ। और ये बंदा आके मेरे को बोलता है कि मैं वुमेन्स का डिसरिस्पेक्ट करता हूँ। भाई तुम्हारा काम है, आओ तुम स्ट्रीम करो, और अगर तुमको कोई दिक्कत है, ठीक है, तो कॉल करो और बात करो, क्योंकि ये टॉपिक में तुम नहीं हो बीच में, ठीक है, और किसी ने तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा है, तो तुम कॉल करके बात कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। इधर मेरा और पायल का था, मैंने बोला, पायल ने बोला, टॉपिक ख़त्म। आई एम टॉकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ पायल वाला सीन ना, आई एम टॉकिंग ऑन द बिहाफ। ऑलरेडी पायल ने बोल दिया, पर तो भी तुमको उसके बिहाफ पे बात करना है, और बात करनी तो करनी है पर आउट ऑफ टॉपिक बात करना है। और जो लड़की को मैंने बोला, जो कंटेंट क्रिएटर को मैंने बोला, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और बोलते मेरे अपने माँ बाप क्या बहन और अपनी मम्मी को दिखाओ, बहन और मम्मी को दिखाए, दिखाओ जाके फिर तुम लोग गाइस अपने मॉम और अपनी बहन को दिखाओ और पूछो कि ये बंदे ने किधर से डिसरिस्पेक्ट किया यार लड़की का। डिसरिस्पेक्ट मतलब क्या होता है कि मैं अगर किसी को गाली दूँ, किसी को अगर मैं उल्टा सुनाऊँ, ठीक है, या किसी पे हाथ उठा दूँ ना, या कुछ वायलेंस अगर, वो डिसरिस्पेक्ट होता है ना, क्या मेरा पॉइंट रखना, ये डिसरिस्पेक्ट होता है, बताओ कौन सा डिसरिस्पेक्ट होता है।
तुम लोगों को लगता है मैंने कोई डिसरिस्पेक्ट किया पायल का? और ये चीज़ को लेके मैं कुछ बात नहीं करने वाला। देखो, मैंने बोला, पायल ने बोला, टॉपिक ख़त्म। उन्होंने बोला, दूसरे बंदे ने बोला, मैंने बोला, टॉपिक ख़त्म। अब इसके बाद उनको कुछ बोलना है, मैं कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा। पर उन्होंने जो बोला वो गलत था, कोई और टॉपिक को लेके कुछ और बोल दिया और बोला डिसरिस्पेक्टिंग वुमेन। भाई ऐसा नहीं होता चीज़ है, ठीक है? और मेरे को कोई सिंपत्ति नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे भाई को आज तक कभी हेट से फ़र्क नहीं पड़ा है। तुम हेटर्स कुछ बोलते हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंसान ने बोला, मेरे को नहीं लगा था बोलेगा, पर उन्होंने भी बोल दिया, तो ठीक है अभी जो भी बात है। बट अभी से अपन भी वो लोग वो जैसे रहते वैसे है। और उन्होंने जो भी बोला सही नहीं बोला। उनको एक बार मेरे को कॉल करना चाहिए था, या फिर डायरेक्ट मेरे से बात करनी चाहिए थी ऑन स्ट्रीम जाके। मतलब एटलीस्ट मेरे कैरेक्टर पे, या फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो भी है गाइस, ये लॉट स्पैम करते रहो। और हेटर्स, तुम्हारा जो भी टीम है बेटर है भाई हम लोग उनसे। थोड़े टाइम पर तुम भी फैन बन जाओगे हम लोग का। कोई ना, हम लोग का गेम प्ले ही ऐसा है, बहुत लोग फैन बन जाते, तुम भी बन जाओगे। बाय। सो यही था गाइस इस वीडियो में। आपको क्या लगता है इस मैटर में, कौन गलत या कौन सही था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी जो भी ये मैटर था ये खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने सुना, नियो ने कह दिया। और मुझे भी नहीं लगता अब गोल्डी भाई इसके ऊपर कोई जवाब या रिप्लाई देंगे। बाकी गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय। ये जगह है अपनी पर अपना मिले ना कोई, मैं रातों में जागा पर सपना दिखे ना कोई।